किसी भी फिल्म का निर्माण सिर्फ एक इंसान नहीं करता है, ये तो हम सभी जानते हैं। फिल्म का निर्माण एक टीम वर्क है, सभी लोग एकजुट होकर एक फिल्म का निर्माण करते हैं और सभी की मेहनत काउंट होती है। और ऐसे में अगर फिल्म के एक्टर या एक्ट्रेस इन दोनों की मेहनत पर पानी फिर जाए तो इससे बुरा क्या हो सकता है। आपको बता दें कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे सितारों के नाम जिनके सीन्स काट दिए गए थे, पूरी मेहनत करने के बाद उनके सीन्स पर कैची चला दिया गया था। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म जग्गा जासूस की। जग्गा जासूस में गोविंदा का एक बहुत ही अहम कैमियो रोल था। उस रोल में बतौर एक्टर गोविंदा ने बहुत शिद्दत से काम किया था, लेकिन फिल्म पूरी होने के बाद पता ये लगता है गोविंदा को कि उनका रोल फिल्म से काट दिया गया है, निकाल दिया गया है। गोविंदा इस बात से काफी अपसेट थे। उन्होंने इस बात की जानकारी मीडिया को भी दी थी और कहा था कि मैंने अपना काम शिद्दत से किया है फिल्म के अंदर और बाकी डायरेक्टर पे डिपेंड करता है उन्हें किसका रोल रखना है और किसका रोल काट देना है। बता दी कि ये फिल्म 2017 में आई थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पीट गई थी। इस लिस्ट में दूसरा नाम है अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, प्रभास और राणा डग्गुबाती स्टारर फिल्म बाहुबली 2। जी हाँ, इस फिल्म में 1600 करोड़ का बिजनेस किया था और इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया था। कहा जा सकता है कि ये सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, लेकिन इसके साथ ही तमन्ना भाटिया ज्यादा खुश नहीं थी क्योंकि उनका रोल फिल्म से काट दिया गया था। तमन्ना भाटिया को बाहुबली में कुछ चंद मिनटों के लिए ही देखा गया, उनके डायलॉग्स को काट दिए गए, ऐसा कहना था तमन्ना भाटिया का। और इस लिस्ट में तीसरा नाम है अनुष्का शर्मा, रणबीर कपूर, ऐश्वर्या राय और फवाद खान स्टारर फिल्म ए दिल है मुश्किल। ये फिल्म बहुत ही विवादों में थी, जिसकी वजह ये है कि उस वक्त पाकिस्तान के उरी अटैक के बाद जो है बॉलीवुड में पाकिस्तानी एक्टर्स को, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन करने की मांग की गई थी। और ये फिल्म 2016 में आई थी और इस घटना के बाद, जो उरी की जो घटना हुई थी उसके बाद जो है करण जौहर ने, क्योंकि ये फिल्म करण जौहर ने डायरेक्ट की थी, तो करण जौहर ने फवाद खान के अच्छे खासे रोल को, अनुष्का शर्मा के साथ फवाद का बहुत ही लंबा स्क्रीन टाइम था, उसको काट कर फवाद खान के रोल को कैमियो रोल में तब्दील कर दिया गया था। इस लिस्ट में चौथा नाम है कंगना रनौत, सैफ अली खान और शाहिद कपूर स्टारर फिल्म रंगून। रंगून 2017 में आई थी। इस फिल्म में कंगना रनौत का जो रोल है, स्क्रीन टाइम था और डायलॉग्स, सभी चीजों को काटा छाटा गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था, उनके परफॉर्मेंस को बहुत सराहा गया था और ये फिल्म भी काफी अलग टाइप की फिल्म थी और ऐसा कहा जा रहा था कि कमर्शियली ये फिल्म ज्यादा हिट तो नहीं होगी, लेकिन कंगना के रोल को बहुत पसंद किया गया था। लेकिन कंगना के बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं और डायलॉग्स हैं जिनको स्क्रीन पर आने ही नहीं दिया गया। इस लिस्ट में पांचवा नाम है शाहरुख खान और माहिरा खान स्टारर फिल्म रईस की। ये फिल्म साल 2017 में आई थी। बता दें इस फिल्म ने ठीक ठाक बिजनेस किया था बॉक्स ऑफिस पर। वहीं दूसरी ओर अगर माहिरा खान की बात करें तो उन्हें भी जो है रोल कटने का दर्द झेलना पड़ा था। आपको बता दें कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस होने के नाते जो है इंडिया में काफी ज्यादा विरोध उनके खिलाफ बढ़ रहा था। पाकिस्तानी एक्ट्रेस को बॉलीवुड में बैन करने की मांग जोरों शोरों से चल रही थी इंडिया के अंदर। इसी वजह से माहिरा खान का जो रोल है उसको काट कर छोटा कर दिया गया था। इतना ही नहीं बल्कि फिल्म का जो प्रमोशन था, वो प्रमोशनल इवेंट्स भी शाहरुख खान ने अकेले ही संभाला था। इस लिस्ट में आखिरी और छठा नाम है कंगना रनौत स्टारर फिल्म मणिकर्णिका। मणिकर्णिका साल 2019 में आई थी और इस फिल्म ने बहुत अच्छा पैसा कमाया था, बहुत अच्छा बिजनेस किया था बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन आपको बता दें कि इस फिल्म के पार्ट सोनू सूद भी होने वाले थे, लेकिन 80% सोनू सूद के जो सीन्स हैं वो फिल्म से काट दिए गए थे, जिस वजह से सोनू सूद बहुत ही ज्यादा निराश थे, भड़क गए थे, उनमें गुस्सा था क्योंकि सोनू सूद ने 4 महीने कोई भी काम नहीं किया था और सिर्फ मणिकर्णिका को ही अपना टाइम दिया था और पूरी मेहनत सिर्फ मणिकर्णिका के लिए की थी।